भाजी ये कौन? कौन? निदोटा भांगी गला? निदो भांगी गला नहीं मा। बरों मा सबू अंको भूले गला। कौन? कौन भूले गला? अंको। मने गणित मुसोई सोई जो अंक कसुतिले सेडा सब भूल भाले गला तमे केत्ते बेले को कामटा ठीक करे जे आज तमो अंक सब भूल हे गला परीक्षा गुरु खाता रे अंक कसी 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 खाता फुल कर दियो हेले ठीक परीक्षा बेले फेल भाउजा मु परीक्षा रे फेल हो बोली तमे केम जानला खाली गणित रे कम मार्क वे बोली तीन चार खंडे मेट्रिक फेल हो जी राउ सब सब्जेक्ट रे फुल मार्क भाजा कॉफीटा दो ना दिया ठंडा है जी बड़ी जाओ जाओ थरे गरम करी नहीं आसची नहीं 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 भाउजा दरकार नहीं कारण मो दिमाग टा जति की गरम अछि ठंडा कॉफीटा पी देले अथा बटरु टकमक ही फुटिबो हाँ तमें कौन कहूँ थिला मैट्रिक रे जम्मा तीनी थरा फेल है जा नहीं तो क्या कहिला क्या कहिला कौन तमें परा एब्बे कहिला तम कानों को भूल सी भी थी वा छाड़ मुझे कोता अच्छा भाऊजो कॉफीटा मो पै तयारी करिछ ना समतो दे चलोनी तम इशारा मु ठीक बुझी परछि हेले ता छोडा मो पाखरे के उपाय अछि तमे को प्रीतिर जेमिति किछि असुविधा न हुए बुढ़ा घरे समस्त को बसे तागित करी कहि दिछि से कथा तमे सुनि न कि हां सुनिछि आ सेई कथा को नहीं तो एटी आखी बुझी अंक कसतली कौन फल भाने प्रीति से प्रीति आ ए घर चिपने सारा जीवन एठी रहिबो आ बापा मा ताकु ए घर रो मालिकानी सजे देबे हां मैं दी जणा चाकर आ चाकराणी हाँ मते भी ठीक से या लगला मोर तो आगुरु अभ्यास अछि विशेष किसी कष्ट हबो नी हेले भाउज तम कथा भाबिला आळो को मुंडटा किछ काम करूनी अंटारे लुगा को भिड़ी मुंड झाळो को हाथ रे पोछि नाक सिंगाणी को हाथ रे ए घर जहाँ तो सेवा करिबो करिबो से सारी से प्रीति प्रीति रो सांग माने ए घर को आसिले से मानकर सेवा करिया पे भी बाध्य होई छिबो हां एक कथा तो मैं पूरा पूरी भूली जाई थी प्रीति एठो बाहर जाई से प्रलय पाचो से घर इतने दिन थिला माने पक्का सेठी से बहुत उड़े सांग साथी बनी दी थी केबे से आसी एठी रहलानी माने से मानो को सो तो निश्चय छुटिबो अच्छा भाउज से प्रीतम नामक जो दी गुड़िया जंतुटा प्रीति को ए घर छाड़ी चली गला ता विषय रे तुम्हारे धारणा कौन सी तो कौन कहिला प्रीति को गुंडा मानक कबल रु बंचे कि इठी नहीं आसी हीरोइन रो मन को इम्प्रेस करने हीरो आपर से गुंडा मान कबल बचे आने से टोकाटा प्रीति को सेमती करनी तो के जाने प्रीति को बचे से हीरो हवा को चाहूँ ना प्रीति ए घर को एंट्री करने आउ थे गोटे प्लान चले से कथा किए कही ता भी ठीक कथा
खोजिबा को पड़िबा से टोकाटा को खोजिबा को पड़िबा आ बुझिबा को पड़िबा जे प्रीति सहित तार संपर्कटा कौन मेकि मो पर्सटा शीघ्र पर्स आ मिकी तो एठी नाही केथर तो मु कहि जे ता नाम अगर धरे बनु बोले कहि थिलो जे हेले टिकी आगुरु तमे ही तो मिकी रो ना धरी पोस्ट स्टैंड बोले कहुतलो अन्य मनुष्य रे बाहर जाइथो अन्य मनुष्य रे तानाटा मोहरु बाहरी गला इया तो मुझे जानी थी। तमे मोरी भले मिकी के भूली पारुन हेले मुहरे एक कथा कही पारुन मु ताको भूली सारी सिप्रा मिछ कहि अन्य को ठकी दे हुए हेले निज मन को सांत्वना दे हुए नी हवा कथा तो हो सारा ताको तो आम बदल पारानी तेणु सतटा को मानि ने क्षति कौन कौन कह चाह तुम्हें तुम्हें तो देखा नक ना सहित तो कथा नए ना कि केमी अच्छी भलि अच्छी कि मंदिर अच्छी एतक कथ अंत का बुझीदे हेले आस तुम जहा चाहूच जहा भावुच से सब ए जीवन में संभव नुहे कहीं संभव नुहे ए दुनिया रे केवल आम सहित सेमती कम करदे आहरी अनेक झी ता बाप माँ का इच्छा विरुद्ध भलपाई बाहरी जापा माँ दिने कि दिदिन रागती है पुणी निज झी को आपणार करते कि ना सेमानक भलमंद कथा बुझंती कि नाही सेमानक क्षमा कर दे झी आ जोई को घर को डाकी आणती कि नाही से बापा मा आउ के हेतुए जो झी ता बापा मा कर भरोसा और विश्वास को भांगी दे परला ताकू क्षमा करी कि मु घर को नेगे छी से भले बापा मु न होए सिप्रा मुटी हॉस्पिटल जाउछे हॉस्पिटल हॉस्पिटल काहे कि जीव डॉक्टर प्रीतम को देखा करिया पे सी पर आज हम घर को तुमको चेकअप करे पे आसीबे सिया जी के मु तो जानन ओहो तमे तो मते एक कथा कहितिलो अरे अरे सत कथा तो सिटी आसी बाता सी किंतु जो समय कही समय तो गड़गला से समय आसले मैंने मुझे सी आ हस्पिटाल नए कौटी को अर्जेंट कम बाहर जाइए तुम्हें सेठ जा लाभ कौन हम नहीं तम सा देखा निहती आवश्यक जो सी हस्पिटाल नए भी मुझे अपेक्षा कर बसवि सी आसिले मुझे देखा कर मो बिना अनुमति रे ए घर तमे गोटाए पाद भी बाहर को बाहर कर पारिबनी शुभम तमे पते भूली जाउछ पेशारे मु जणे वकील आईन कानून विषय रे मोर बेस भल भावे धारणा अछि माने तमे कोन कहिया को चाहौ छ केवल गोटिए छोटिया कप थाना को
शुभम तू एठ चुपचाप बसचु तो मुहटा एमती सुखी जाइए कौन कल रे ठीक भाव शुपन कि ना निद हलानी निद हलानी कहीं कल रात तू कौन मेडिसिन खाई नु कि हाँ खाई रात्रि तो मेडिसिन खाओ खाओ तो निद ही जाए कल रात मेडिसिन खाइक तो निद हलानी कहीं से कथा मुमी कह कल रात तो रूम पाटितुंड शुभुला कौन मिकी सहित तोर झगड़ा हो कि ना जेजे झगड़ा कहीं हम सी तो गोटे भल झी बोली समस्ते कह समस्त पाखे तो सी गोटे भल बो हाँ से गोटे भल बो बोली आम आगे प्रमाण कर सारी हेले से गोटे भल जीवन साथी कि ना से कथा तू कहीपरू जदि समस्ते भल बोली कह ताले मुता खराब कहीं कह संग तो कथा लगुच तू मत कौन लुचौचु सत कह संग तोर कौन है जेजे सी एत भल जे दुनिया रे ताभली स्त्री बहुत कम मिले जेजे जेजे नाती भितर कौन कथबार्ता चलती तो विषय कथा होलु तू के भल से कथा शुभम कहूला मु जाने जेजे से आपन को आगे मो ना मिछ प्रशंसा करते कारण मु कौन से भल भाव जानते जेते हेले से तो स्वामी से तते जेतिक जानी आम कौन से जानचु अच्छा माँ गोटे कथा पचारे कौन ताकू तो पचारे से किसी कह तेणु मुझे पचारू कौन पचार ना पचार नुआ नुआ बाहाघर होते स्वामी स्त्री खुशी रहा हेले बाहाघर पर मु देखुचे तो स्वामी मन दुख रोचे जेजे से कथा आपण तांको पचारे से भल भाव जनईदे तुम मेडिसिन गुड़ा रूम रे अलग काढ़ी रखीदी ठीक टाइम रे खाई नबो तुम आगु नथिला बेले भी मो मेडिसिन मु ठीक टाइम रे खाऊथिली एबे भी खाई नेबी तमार मो कथा किछि चिंता करिया दरकार नै कहले जेजे स्त्री हे केमती स्वामी कथा चिंता करबिनी निहाती चिंता करिवा दरकार मु कहली ना मो कथा कहार चिंता करिवा दरकार नै दरकार नै मु को कोन दरकार नै तांको कथा चिंता करिवा दरकार नै माने से एबे भल हे गेलनी त काहाटू किछि सहाय्य ननै निज काम निजे करियो बोले कहउछन्ती से जदि निजे भल हे जिवा कथा कहउछि तले त भल कथा हमर ऑफिस जिवा टाइम हे गेलनी आमे जिवा हाँ चल बहुमा ये बाहर शुभम कौन खुशी नुहे बाहर पर शुभम मुहरे हस ना मुदिन है कथा मार्क करपा मिकी को नहीं बोध शुभम खुशी नुहे खुशी नथिले भी आमे बाबु कौन करि परिबा हाँ एबे तो भल हेले भी से आम घर बहु खराब हेले भी से आम घर बहु तेणु ताको सही हिसाब से ग्रहण करना उचित ता छोड़ आमर उपाय कौन अच्छे जा हो मामुन प्रीति की देखा करी जीवा परठु प्रीतिर मन टिके खुशी अछि मामुन जहाँ को भल पाउथला परिस्थिति रे पड़ी प्रीतिटा को बाहाबा को राजी सहितला हेले सबु कथा जानि सारला परे मामुन प्रति अन्याय करछि बोली प्रीति निजो को दोषी माने कला किंतु हठात शुभम मिके को बाहे गला परे ता मुंडर से बोझटा उल्लेगला हेले मामुन सहित तार से बंधुत्व रहिब कि नहीं से थी से टेंस रे थिला मामुन ताड़ू आसी प्रीति को देखा करके गला से आमे मामुन को धन्यवाद देवा उचित खाली ताकू नुहे आमे भगवान को भी धन्यवाद देवा कथा
ସେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏକାଠି କରାଇଦେଲେ। ମାମୁନ ଆଉ ପ୍ରୀତି ସିନା ପୁଣି ମିଶିଗଲେ, ହେଲେ ଶୁଭମ ପାଖରୁ ପ୍ରୀତି ଯେଉଁ ଠୋକର ଖାଇଛି, ଆଉ ଶୁଭମ ମିକିକୁ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ପ୍ରୀତି ମନରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, ସେ କଷ୍ଟ କ'ଣ ସେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲିଯିବ? ସମୟ କେତେ କେତେ କ୍ଷତକୁ ପୂରଣ କରିଦେଇଛି ଶାରଦା, ପ୍ରୀତିର କ୍ଷତକୁ ବି ସେଦିନେ ପୂରଣ କରିଦେବ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରୀତି ମନରେ ଯେତେ କ୍ଷତ ଅଛି ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେଇଯାଉ, ତା ହଜିଯାଇଥିବା ଖୁସି ତା ପାଖକୁ ପୁଣି ଫେରିଆସୁ। ଆଈ କ'ଣ ହେଲା ରେ? ମା ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। କ'ଣ ଘରେ ବସି ବସି ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି, ତା ଛଡ଼ା ମାମୁନ ବି ମୋତେ ତା ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ କହିଯାଇଛି, ମୁଁ ତାରି ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି କେବଳ ମାମୁନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମ ଘରକୁ ଡକେଇ ଦେ। ହଁ ରେ ମା, ତୁ ସେଇଆ କର, ମାମୁନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଡକେଇ ଆ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ପୁଣି ସେଇମାନେ ଆଟାକ୍ କରିବେ ବୋଲି ଭାବି ତମେ ଦୁଇ ଜଣ କଥା କହୁଛ ନା? ହଁ, ତୋ ପ୍ରତି ସେମିତି କିଛି ବିପଦ ନଥିଲେ ତତେ ସେଦିନ ଯିଏ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ ସିଏ ଏକଥା ଜୋର କରି କହିନଥାନ୍ତେ। ତା ଛଡ଼ା ତୋ ଉପରେ ଯିଏ ଆଟାକ୍ କରିସାରିଛି ସେ ଯେ ଆଉଥରେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁ ନଥିବ ସେ କଥା କିଏ କହିବ? ଅଜା, ସେଦିନ ମୁଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିଲିନି। ହେଲେ ଆଜି ସେଇ ଦିନ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ମୋ ମାମୁନ ଅଛି, କେହି ବି ମୋର କିଛି ବି କରିପାରିବେନି। ତୁ ବି ଝିଅ ପିଲାଟିଏ, ମାମୁନ ବି ଝିଅଟିଏ, ଯଦି ତୋ ଉପରକୁ ସତରେ କିଏ ଆଟାକ୍ କରେ ତାହେଲେ ତମେ ଦୁଇଟା ଝିଅ କ'ଣ କରିବ? ଅଜା, ସେଦିନ ତମ ହାତରୁ ଫାଇଲ୍ଟା ସେ ଚୋର ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲା ବେଳେ ସେଠି ଅନେକ ଲୋକ ଥିଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ କାବୁ କରି ତା ହାତରୁ ଫାଇଲ୍ଟା ଆଣି ତମକୁ ଦେଇଥିଲି ନା। ସେଦିନ ସେ ଏକା ଥିଲା, ଏବେ ତୋ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଜଣ ଥିଲେ, ସେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଜଣ କି ତାଠୁ ଅଧିକା ଯଦି ଆସି ତତେ ଆଟାକ୍ କରନ୍ତି ତୁ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ଅଜା, ମୋର ମାମୁନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ହଁ ହଁ, ମାମୁନ ଆମ ଘରକୁ ଆସି ପ୍ରୀତିକୁ କ୍ଷମା କରି ତାକୁ ଦେଖା କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ସିଏ ଡାକିଛନ୍ତି। ପ୍ରୀତି ଯଦି ତାକୁ ଦେଖା ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମାମୁନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାମୁନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଏଠିକି ମୁଁ ଡକେଇ ଦେଉଛି। ଆଈ, ତମେ ଅଯଥାରେ ଡରୁଛ, ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁବେଳେ ଦେଖା ହଉ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ମୋର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆରେ ମା, ତୁ ଅଯଥାରେ କାହିଁକି ଜିଦ୍ କରୁଛୁ କହିଲୁ? ଆଈ ପ୍ଲିଜ୍, ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ, ମୋ ଉପରେ ଭରସା କର, ମୋର କିଛି ବି ହେବନି। ହଁ ମା, ଆମ ପ୍ରୀତି ତ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ କେବେ କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଭଗବାନ କେବେ ବି ତାଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ କରେଇ ଦେବେନି। ଅଜା ପ୍ଲିଜ୍। ହଉ ଯା, ହେଲେ ନିଛାଟିଆ ଜାଗାକୁ ଯିବୁନି, ତତେ ଯଦି କିଛି ଫିଲ୍ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ଜଣେଇବୁ, ନହେଲେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣେଇଦେବୁ। ହଉ ଉପରକୁ ବିପଦ ଆସିବ ଏକଥା ଜାଣିକି ବି ତାକୁ ବାହାରକୁ କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେଲ? ଶାରଦା, ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଏତେ ଜିଦି କରୁଛି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ ସେ ମନ କଷ୍ଟ କରନ୍ତାନି। ବାପା, ପ୍ରୀତିକୁ ଆଉଥରେ କିଏ ଆଟାକ୍ କରିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରୀତିର ବଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଯଦି ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ଅସୁବିଧାରୁ ତାକୁ ମୁକୁଳେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇଦେବି। ହଁ ହଁ, ତମେ ସେଇଆ କର, ତା ପଛେ ପଛେ ତୁମେ ଯାଅ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି ମୋ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇକି ଆସୁଛି। ମିଠି, ତମେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ପଚାରିପାରିବି? ପଚାରନ୍ତୁ। ଶୁଭମ ଏବେ କାଜୁଆଲ ଅଛି ତ, ତମ ସହିତ ସେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି? ହଠାତ୍ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ପଚାରିଲେ? ଘରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କିଛି ଏ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଘରେ ମୋତେ କେହି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଶୁଭମଙ୍କୁ ବାହା ହେଇ
ଆମ ଘରେ ରହିଲା ପରେ ତମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉନି ତ? ଶୁଭମ ଆଉ ତମ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉନି ତ? ଆପଣ କୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ମାନେ ବାହାଘର ପରେ ଶୁଭମ ତମକୁ ସବୁ କଥାରେ କୋପରେଟ କରୁଛି ତ? ଆପଣ ଏ ବାହାଘର କରିଛନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ଶୁଭମକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଓବିଡିଏଣ୍ଟ ପୁଅ ସଜେଇ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଡିସିସନକୁ ସମ୍ମାନ ନ ଦେଇ ମୋ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କେମିତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଭାବିନି, ତୁମେ ଖୁସିରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣେଇ ନଥାନ୍ତି? ତୁମେ ଖୁସିରେ ଅଛ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଆସୁଛି।